जय जगन्नाथ टीवीर प्रथम अधिवेशन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची सुस्वागत करुच्ची प्रणाम जनाऊँ गुरुजन मान को तीर्थराजर दर्शन जिते क्षेत्रंकर रजा क्षेत्राधीश्वर को आम दर्शन करुचे क्षेत्रर तीर्थर रजा जी तीर्थराज महोदधीर दर्शन आम करुचे सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम तेणु क्षेत्र रजा शंख क्षेत्र जो शंख क्षेत्र भितर विद्यमान रही तीर्थराज महोदधी साढ़े तीन कोटी तीर्थर पुण्यता गोटी स्थान रे मिले ये तीर्थराज महोदधी जो जलराशि पवित्रता आपण माने जानते जो स्थान पवित्रता आपण माने जानते से जलराशि स्पर्श मात्र समस्त पाप धोई हुए तेणु जो पाप राशि ज्ञात अज्ञात पाप नाश करिबा पाई कुशाग्रे जेतिकी जल सेतिकी जथेष्ट होइथाय तीर्थराज महोदधीर पवित्र जल एपटे पतित पावन देवंकर पूजा पंडा सेवक तांकर वस्त्र श्रृंगार कारण महाप्रभु वस्त्र परिधान करिबे प्रत्येक दिन तांकर वस्त्र महाप्रभुंकर जो अच्छी से वस्त्र परिधान करिथांत ता सहित महाप्रभुंकर शीत दिन गुणण षष्ठी ठारु घोड़ लागिर परंपरा रही महाप्रभु घोड़ पिंधती जहाँ को कहा जाए शीत वस्त्र आपाद मस्तक तांकर घोड़ी हेबे तेणु ताकू कहा जाए घोड़ वस्त्र महाप्रभुंकर पाट वस्त्र रही सूता वस्त्र रही खंडुआ वस्त्र रही सूता वस्त्र शीत वस्त्र सब महाप्रभुंकर रखिंट महाप्रभु निश्चित भाव ऋतु अनुजाई महाप्रभुंकर वस्त्र श्रृंगार होता खरा दिने जो वस्त्र पिंधिबे शीत दिन से वस्त्र पिंधिबेनि शीत दिन वस्त्र मखमल ठारु आरंभ करी पाट पीतांबरी पिंधिथांति गरम आसिला प्रबल गरम होला आमे जेमिति शीत वस्त्र टिए परित्याग करी सूता वस्त्र टिए परिधान करूथु गरम आसिले महाप्रभु मध्य अनुरूप भावे सेया वैशाख मासर झंझी खरारे गुमगुम खरारे गुमगुम झाड़ बाहर थो महाप्रभु सूता वस्त्र परिधान करें चंदन प्रलेप दिया चली थो शीतल उपचार महाप्रभुंकर हुए शीत दिन आसिले महाप्रभुंकर उष्मता उष्म उपचार ही थाए आलट हबनी चामर हबनी घोड़ लगी हे ये सब महाप्रभुंकर उष्म उपचार होता है महाप्रभुंकर षोडश उपचार रे महाप्रभुंकर समस्त उपासना नीलमाधव जेतेबेले देवता माने उपासना करूतले सहस्र उपचार रे से तांकर उपासना करूतले तेणु जे कोनसे उपचार जेते उपचार हेले मध्य महाप्रभुंकर जो नीतिकांति श्रीक्षेत्र मध्यरे श्रीमंदिर मध्यरे ता अन्यत्र विरल होइथाय अन्य स्थान मानक देवालय रही देवालय मानक देवतांकर नीति होती किंतु श्रीक्षेत्र पावन क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीमंदिर महाप्रभु जगन्नाथंकर नीति सहित कहार नीति सामंजस्य न थाए तेणु अनेक नीति एठी तंकर कारण गुप्त नीति अच्छी सामयिक नीति अच्छी दैनंदिन नीति अच्छी पर्वपर्वाणी नीति अच्छी देवता नीति सबुठी बंद थिला बेले देवता को नीति महाप्रभु आरंभ करते सी होती जगन्नाथ सबु देवतांकर बारण करा जीव सबु देवतांकर देवनीति अनुष्ठित हेबो नाही किंतु महाप्रभुंकर सेहिती देवनीति आरंभ हो जोटी समस्तंकर अंतिम शेष पर्यायर पहुँचे महाप्रभु सेहिती आरंभ करिवे अर्थात जेतेबेले सूर्य पराग हो चंद्रग्रहण हो अशुद्धि बेला थाए देवनीति संपूर्ण रूपे वर्जन थाए
देवनीति करिबा पाई विधान न थाए सेतिकी बेले महाप्रभुंकर जेतेबेले सूर्य पराग हो चंद्र ग्रहण हो ए सबु बेले स्वतंत्र ग्रहण नीति अनुष्ठित हुई थाए सेति पाई कुआ जाए महाप्रभुंकर नीति स्थित अन्य मंदिर मानकर नीति विरल रही थाए से जाहु प्रभुंक पाखेरे जेतेबेले आमे प्रभुंकर क्षेत्र को आसीबा किछि किछि अनुभव करिके जाई थांत देखि के जाई थांत सिखि के जाई थांत मने रखि के जाई थांत प्रत्येक प्रत्येकंकर क्षेत्र आगमनर उद्देश्य थाए प्रत्यावर्तन बेले किछि उपदेश मध्य थाए नील रंगर साढ़ी पतित पावन देवंकर पूजा पंडा सामंत कुंच करी किभली भाव कुंच करा जाउछ जेमती नारी माने साढ़ी पिंधिले कुंच करा जाए महाप्रभु नारी ना, ना महाप्रभु पुरुष तेणु महाप्रभु जदि पुरुष महाप्रभु जदि नारी उभय आमे पुरुष नारीकर समन्वय विग्रह होउछन्ते महाप्रभु जेउति पाई साढ़ी पिंधिबे नाकुआसी नाकचणा लगेबे एवं वस्त्र देखुचंदे किभली भावरे तांकर पतित पावन देवंकर मुखारविंद ए साड़ी पिंधेबा आउ काहाकु जणा नथिबो प्रभुंकर श्रीमंदिर जो नीति हुए ये तांकर पारंपरिक सेवक रहिचंदे तांकर समस्त सेवा विभिन्न प्रकार सेवा करिबा पई से सेवार किभली कराजिव सेथिपाई से ज्ञात थांत पूजा पंडा सामंत कुहंतु सिंगारी सेवक कुहंतु खुंटिया सेवक कुहंतु गोराबड़ू ठारु आरंभ करी प्रतियारी प्रतियारी ठारु आरंभ करी आस्थान प्रतियारी प्रत्येक प्रत्येकंकर सेवा कौन किभली कराजिव सेथिपाई से आगुरु ज्ञात थांत शिखी थांत तेणु महाप्रभुंकर सेवा करिबा पई तांकु आउ किछि असुविधा हेइ नथाय कारण सेवा को आसीबा पूर्वरु काहार वंशानुक्रमिक सेवा थाए कार साड़ी बंधा सेवा थाए कार अणसाड़ी बंधा सेवा थाए कार गोष्ठीगत सेवा थाए किए सेवा देवा पूर्वरु परीक्षा दिए कि बिना परीक्षा रे पुणी सेवा को आसीता विभिन्न प्रकार सेवा रही सबु सेवारे परीक्षा न थाए तेणु पूजा पंडा सेवक जेते बले पूजा पंडा देखुचंती तांकर सामंत सीए पूजा करिबे तांकु परीक्षा देबाकु हेइ थाए लिखित देबाकु हेइ थाए मौखिक देबाकु हेइ थाए स्वतंत्र भाव रे गोटे विचारक मंडली बसंती लिखित विभिन्न प्रकार मंत्र स्तुति स्तोत्र श्लोक धर्मशास्त्र ज्ञान ये सब थिबा लिखित परीक्षा दे मौखिक परीक्षा मध्य से विचारक मंडली पाखरे रही थांती सेठु जेते बेले उत्तीर्ण हुवंती परीक्षा रे उत्तीर्ण हुवंती सेवा करिवार अधिकार प्राप्त हुवंती जे भी पूजा पंडा सेवक तांकर सेवा करिबाकु आसंती जे भी सेवा करिवे प्रथमे सेवा बड़ ठाकुर बड़बाड़ मणिमा ठारु आरंभ करते सीधा सड़क जगन्नाथ पाखे बस से पूजा करिवार से मार्ग प्रभु दे न था प्रथमे बड़बाड़ बलभद्र पाखे पूजा करिवे तापरे परे सुभद्रा बाड़े तापरे परे जगन्नाथ बाड़े ये चारि विग्रह को बाड़ बोली कहुए चारि बाड़र बाड़ ग्राही रही बड़बाड़ बोली बलभद्र को कहा जाए मझी बाड़ बोली माँ सुभद्रा को कहा जाए जगन्नाथ बाड़ जगन्नाथ को कहा जाए तेणु सुदर्शन को सेमती सुदर्शन बाड़ बोली कहा जाए बलभद्रंकर बाड़ ग्राही स्वतंत्र भाव रही दैतापति सेवक बाड़ ग्राही माँ सुभद्रांकर बाड़ग्राही रही
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରହିଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବା ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଆଜି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସରିଲା, ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ପ୍ରତି ବାର ସାତ ବାରରେ ସାତ ରଙ୍ଗର ସିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାତ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ କହିବେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଠାରୁ ପାଦଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଘୋଡ଼ ଲାଗି। ପ୍ରତିଦିନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ ପରେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଲାଗି ହେବେ, କାରଣ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପ, କାରଣ ପ୍ରତି ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ମିଳିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରସାଦ ପେଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପେଡ଼ି ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅନୁଭବ ଥାଏ। 22 ପାବଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର ଢେଉକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉଦୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଧର୍ମର ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଧର୍ମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ସକଳ ଜୀବଜଗତର, ସକଳ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷଘର ନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ରୋଷଘର ରଖିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବୃହତ ରୋଷଘର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ରୋଷଶାଳା ମହାପ୍ରଭୁ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷଶାଳା ରହିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଷଶାଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍ରହ କୋଣାର୍କରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଅଣାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କରୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ, ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମେ କହୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଇବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହଦେବ କୋଣାର୍କରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଢେଉକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ
कमी थाए बोली कहा जाए। सूर्य नारायण मंदिर श्रीमंदिर मध्य कोणार्क आसी उपासित होते नरसिंह देव समय पूर्व इंद्र पूजा पाते से मंदिर तेणु कोणार्क सूर्य नारायण विग्रह को यठार प्रतिष्ठा करागला प्रतिष्ठित करागला कहीं ता गवेषणा सापेक्ष कारण राजा नरसिंह देव ए विग्रह को कोणार्क मंदिर जितेबाला भग्न होगा पर कोणार्क राणी एठार पूजा करते एति पूर्वर वर्तमान जो आप आसे मंदिर को मुक्ति मंडप देखुंत मुंडिया मारूँ मुक्ति मंडप सम्मुखें प्राचीन समय सूर्य मंत्र मंदिर गोटे रही दैनिक नीति सह ये संश्लिष्ट सूर्य जंत्र मंदिर कह जाए। वर्तमान जो प्रचलित सूर्य नारायण मंदिर टी मंदिर भितर रही सूर्य उपासना तेणु देखिए विमान मध्य मणि विग्रह सिंहासन उपर मणि विग्रह सप्ताश्व सूर्य नारायण पूजा पाउछन्ति मंदिर भितर श्रीमंदिर सूर्य नारायण मणि विग्रह ठीक पछ पार्श्वरे अर्धभग्न होकर पूजा पाउछन्ति सुगठित मनोरम देव विग्रह टी दर्शनार्थी मैंने कहते सूर्य विग्रह पछरे लुकायित जो पूजा पाउछन्ति कई तो देखिपारती ना कि गवेषणा गवेषक मैंने मत दिये ये हूँ मूर्ति टी किए ना इंद्र देवता केतक प्रबंधिक बंदी गवेषक मैंने कहते ये हूँ बुद्ध मूर्ति जहाँ पछपटे जड़े रही पूजा उपासित किंतु यार निर्दिष्ट कौन प्रमाण ना किए इंद्र कौन किए बुद्ध मूर्ति कौन निर्दिष्ट प्रमाण किसी क्योंकि ना तेणु इंद्र थांतु कि जी थांतु मंदिर मध्य सूर्य नारायण को उपासना रही आसी सूर्य नारायण को दैनदिन नीति महाप्रभु जमी नीति दैनदिन हुए स्वतंत्र सूर्य नारायण श्रीमंदिर नीति अनुष्ठित होता है से दैनदिन नीति सकाल महाप्रभु बल्लभ जितेबाला सरे महाप्रभु जलखिया खाई सारे सूर्य नारायण चारिटा कोरा मूर्ति आसी था चारिटी मूर्ति कोरा कोठभोग गोदाम रु देखिए समस्त अटा पिठा प्रस्तुति पाई घी ए सब गुड़ तेल ए सब जोगे दिया जाए था पशुपालक दामोदर कर परिवार उत्तराधिकारी मैंने विग्रह सेवा पूजा कर सूर्यंकर तेणु विशेष भाव में श्रीमंदिर जो सूर्य नारायण मंदिर अच्छी पर्वपर्वाणी अनुष्ठित होता है तिल सप्तमी बा माघ सप्तमी जो आसिले चैत्र गुंडीचा महाप्रभु श्रीगुंडीचा करुचंती महाप्रभु शाक्त गुंडीचा करुचंती महाप्रभु गुप्त गुंडीचा करुचंती सूर्य नारायण सेमती सौर गुंडीचा बोली कह जाए सप्तपुरी अमावास्या सूर्य मंदिर विशेष भाव पूजा कुमार पूर्णिमी पूजा ओढ़ण षष्ठी पूजा कराए शांब दशमी बसंत पंचमी ग्रहण पराग इत्यादि नीति अनुष्ठित होता है जो न होबा कथा सूर्य साधारणतः सूर्य पराग ग्रहण नीति आसिले देवनीति बंद रहे किंतु सूर्य मंदिर सूर्य नारायण नीति आरंभ होता है जिते बड़े देखिए माघ शुक्ल सप्तमी जहाँ को आम तिल सप्तमी बा माघ सप्तमी बोली कहू सूर्य नारायण मंदिर में स्वतंत्र नीति पालित होता है। यही दिन विशेष नीति श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष करा जाए था नुआ लुगा छोट लुगा बड़ लुगा गोदाम आसी थाए शीतल भोग गुड़ खंड अधशेर यह सब मान आसी था संपूर्ण रूपे आम सूर्य नारायण दर्शन करवा जितेबले मन भितर उत्कंठा आसी जाइए अनंत आकाशे सूर्य प्रखरता आसी ना कि अनुभव आसी भक्त मैंने अपेक्षा करिए रही जा दर्शन करने को आसते मंदिर भितर प्रवेश करे किए क्या पाइब नपाइब तेणु यही द्वार नंदावर्त पावचर समस्त अपेक्षा कर जाती एकाठी जावाप
ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ହିସାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ ପାଦ ଧୌତ କରି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯିଏ ଯାଉ କୁହୁଡ଼ି ଯେତେ କୁହୁଡ଼ି ଥାଉ କାକର ପଡ଼ୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ ପଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଆସିଥାଉ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯିବୁ ଏ ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଖଇକୁରା ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ତାପରେ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ ଲଡ଼ୁ କାକରା କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ଭୋଗ ହୁଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଯାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି ଚୈତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆସିଲେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଳନ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ତିଳ ସପ୍ତମୀ ନୀତି ପରି ଚୈତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଚୈତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ରଥ ବୁଲେଇବା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିଥାଏ ସପ୍ତାଶ୍ୱ ରଥ ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ରଥ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଉପାସନା ରହିଛି ଚୈତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଳ ସପ୍ତମୀ ସେହିଭଳି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯାଏ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରାଯାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଉଭୟ କନ୍ୟା ବରପକ୍ଷର ମୁରବୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଭିଭାବକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପବିତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥାନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ମିଶିବାର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହରାଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ସେଇ ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁମେ ଗ୍ରହରାଜ ତୁମେ ଲୋକରକ୍ଷକ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିଷମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି ଜନିତ ପୀଡ଼ା ହରଣ କର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରହ ରହିଛି ନବଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ରହିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ସକଳ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିଷମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ ଯାଉ ରବିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ମିଳିଲାଣି ଆଂଶିକ ଭାବେ ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଉଦୟ ହେବା ଯେତେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେବେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ ରକ୍ତ ପଦ୍ମରେ ବିରାଜମାନ କରି ପଦ୍ମ ଗର୍ଭା ଭାବରେ
से तांकर उदय सकल जीवजगत को से जणईदेवे जे मु उदय हेली सूर्य आसिले बोली समस्त जानते पशुपक्षी माने भी जानते सूर्य आसिले बोली खाली मनुष्य नुहे सकल जीवजगत सकल सृष्टि जानते सूर्य आसिले जेतेबेले सूर्यंकर आगमन हुए आगमन पूर्वरु पक्षी तांकर कोलाहल राव दे थांते देखिबे काऊ बोबैलाणी पाहंतिया हेले काऊ बोबैबो सूर्य आसवा पूर्व काऊ जाणी जाए पक्षी माने जाणी जांती समस्त पशु पक्षी प्राणी जेते जंगल रे वास करन समस्ते जाणी जांती सूर्यंकर आगमन एभली तांकर शक्ति सेइतिपई कुआ जे सर्वशक्तिमान सूर्य देवता सर्वशक्तिमान सूर्य देवता देखुचंती आपण निकट रु प्रणाम करंत आज बुधवार रे सूर्यंकर दर्शन बुद्ध महादशा कटि जाई थाए कारण दशा महादशा ग्रह ज्योतिष शास्त्र विद्या रे रही शुद्धि अमृत बेला महेन्द्र बेला ये सब देखा जाए तेणु कौ ग्रह कौ चलन करी रवि कौटी अच्छा रवि शुद्धि ये सब देखा जाए प्रत्येक ग्रहर स्थिति रही प्रत्येक ग्रह मानकर विषम स्थान रे रवि जेतेबेले सूर्य रही जहाँ से ग्रहर पीड़ा थाए से पीड़ा अनुभव करती ना ग्रह पीड़ार रक्षा करती सूर्य नारायण समस्त ग्रह पीड़ा को हरण करती सूर्य नारायण भगवान नारायण समस्त कष्ट हरण करती समस्त दुख हरण करती सूर्य नारायण किंतु समस्त रोग हरण करने सहित समस्त ग्रह पीड़ार हरण कर तेणु सूर्यंकर उपासना करा जाए सूर्य उपासना जो माने भी सूर्य उपासना करती सूर्य को प्रणाम करती सूर्य को दर्शन करती तांकर सकल ग्रह पीड़ार से मुक्ति पाई थांते कारण ग्रह चलन होता है ग्रह क्या छाड़ी ग्रह पीड़ा समस्ते भोगी जमती प्रारब्ध कर्मर भोग फल भोगिबाकु हुए कर्मफल भोगिबाकु हुए निश्चित हो जाती भक्त माने ते मनुष्य निश्चित होता है ग्रह पीड़ा को सेमती स्वीकार करने रही था ग्रह पीड़ा क्या छाड़ी ग्रह शंकर भगवान को छाड़ी शिव मध्य ग्रह पीड़ार वंचित होगा मुक्ति पाई लुचिंट ग्रह मध्य शंकर भगवान को जगि रही ए लुचा छफा भितरे ग्रह प्रवेश करी जाइछि शंकर भगवान कर शरीर से कहा जाए ग्रह कहा को छाड़े ना ग्रहराज समस्ती प्रभाव देखेबे जमती जमराज कहा को छाड़ती ना दंड निश्चित जमदंड सेमती ग्रहराज समस्ती ग्रह पीड़ार अनुभव दे था केवल गोटे ठाकुर देवता सकल शक्तिर आधार सूर्य नारायण प्रत्येक ग्रह पीड़ार मुक्ति दे पारंती प्रत्येक ग्रह पीड़ा को हरण कर पारंती प्रत्येक ग्रह पीड़ा प्रत्येक ग्रह पीड़ा रोगरु मध्य नाश करी थांती भक्त बंधु आमे प्रभुंकर तो दर्शन करू करू पतित पावन मंगल आरती दर्शन करी बेश श्रृंगार दर्शन करी भक्त भक्तिर कथा को अनुभव करी तीर्थराज महोदधी कूल आसी पवित्रता अनुभव करी सूर्यनारायण दर्शन करी बुधवार आज सूर्यनारायण दर्शन बुध महादशारु ग्रह पीड़ार वंचित होगापी लाघव होगापी सूर्यनारायण को प्रार्थना करी आसतु भगवान टिके भजन श्रवण करवा पुणी प्रभुंर से द्वार जुआड़े बुली बुली आरे ढमणा बुली बुली से अगणा जो कथार अच्छे आम जिते धाम जीवा जिते तीर्थ जीवा जिते क्षेत्र जीवा सबू बुली बाली शेष को कालियार द्वार को आसवा को कालियार द्वार ही मुक्ति मिली थाए मुख्य मिली थाए पारंपरिक भजन सहित प्रभुंकर सिंह द्वार रे से अनुभव करिबा भक्त मानकर उपस्थिति प्रभुंकर रूप श्रृंगार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।